तो हेलो फ्रेंड्स, यार आज हम लोग संस्कृत का पेपर लेके आए हैं। ये कल एग्जाम्स में हुआ था, यस्टरडे को 6 तारीख मार्च को एग्ज़ाम हुआ था संस्कृत का। मैं जानता हूँ कि 50% का एग्ज़ाम पोस्पॉन्डेड है। जिनका पोस्पॉन्डेड है वो ये पेपर देख लेने, और जिनका हो गया वो इससे सॉल्यूशन देख लेने, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन भी है साथ साथ। तो ये जिनका हो चुका है वो सॉल्यूशन देखने, ये सॉल्यूशन है। ओके, ये पहले मैं ये दिखा देता हूँ। एंड ये हमारे इसने हमारे यश भाई ने सेंड किया है ये क्वेश्चन पेपर, तो उनके लिए दिल से शुक्रिया यार। तो आपको विद सॉल्यूशन मिलेगा आप लोगों को, एंड ये 100% करेक्ट सॉल्यूशन है। आप लोग देख लेने, मैं वन बाई वन दिखा देता हूँ। PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, उस पर भी मैंने एक वीडियो बना दिया, हाउ टू ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप। ओके एंड मैं एक बार में ये दिखाने का ट्राई करता हूँ कि आप लोग को समझ आ जाए। एक बार में देखता हूँ मैं, अगर आप लोग को दिख रहा होगा ये बहुत अच्छा क्वालिटी में वीडियो है। आप लोग को एक बार में बहुत कोई स्क्रीनशॉट चाहिए होता है, एक बार में दिखा दे भाई, तो देख लेनी है। नेक्स्ट में आते हैं, एंड ये साथ साथ सॉल्यूशन है। जिनको क्वेश्चन पेपर देखना है वो क्वेश्चन पेपर देखे, जिनको सॉल्यूशन देखना है वो सॉल्यूशन देखे, एंड PDF के लिए ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप। इतना ही मैं बोलूँगा। तो सॉल्यूशन सब मार्क्ड है क्वेश्चन पेपर में, तो जिनका एग्ज़ाम हो गया वो सॉल्यूशन देखें, और जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो दोनों देखें। एंड ये चित्र वर्णम आया था, इसका कुछ सॉल्यूशन शायद ही लिखा होगा। नहीं, इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ यार। ये चित्र वर्णम को सेल्फ सॉल्व कर देने यार, कोई दिक्कत नहीं, एक दो सॉल्व हो ही जाएगा आपसे चित्र वर्णम। एक तो यह चित्र बहुत सुंदर है, वो ये बन जाएगा, क्योंकि संस्कृत में इस बार 9th क्लास में हिंदी लिया हूँ, तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है यार, उतना टेंशन नहीं लेने, क्योंकि मुझे संस्कृत नहीं आता उतना यार। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन का नंबर। एंड इसमें कुछ कुछ सॉल्यूशन नहीं है जो वाक्य टाइप का है, क्योंकि वाक्य टाइप का मैं गलत यूट्यूब में डाल नहीं सकते, इसलिए उन्होंने सॉल्यूशन नहीं किया होगा। ओके एंड PDF के लिए बार बार मैं बोल रहा हूँ, ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप। जो जो क्वेश्चन आता था मैंने सॉल्व कर दिया है, मतलब उन्होंने। ओके ये हो गया। ये शब्द रूप इस बार बहुत ही इजी आया था, मैंने देखा यार, मुझे भी समझ में आ रहा था, जबकि मुझे शब्द रूप उतना समझ में आता नहीं, फिर भी आ रहा था। ओके ये ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था, ऑनलाइन का क्वेश्चन पेपर नहीं है। हाँ यार, चलो यार थोड़ा से वीडियो हम लोग बना देते हैं। चलो यार नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये सबका सॉल्यूशन मार्क्ड है। PDF के लिए प्लीज़ ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप, बार बार बोल दिया। एंड जो जो है यहाँ नंबर मार्क्ड है आप लोग देख लेने। ऐसे बात तो इजी क्वेश्चन आया था। PDF के लिए तो ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप, तो लाइक कर देने, सब्सक्राइब कर देने। वी एम 100 लाइक फ्रॉम दिस क्वेश्चन पेपर, क्योंकि हम लोग ने साथ साथ सॉल्यूशन भी डाला है, बहुत सारे मेहनत लगते हैं सबको वीडियो बनाने में। एंड मैं अभी शो भी कर दे रहा हूँ साथ साथ, जबकि टेलीग्राम ग्रुप है ही, ज्वाइन कर लेने उसको। एंड जितना भी 10th का वीडियो आएगा, सब चीज़ आएगा, सबसे पहले बताया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, तब कुछ यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा। एंड कंग्रेचुलेशन यार, वहाँ पे हम लोग 100 सब्स हो चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, क्वेश्चन पेपर हो रहा है ख़त्म। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय टाटा। एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करते हुए जाना, क्योंकि उसमें आप ही का फ़ायदा है, मेरा उसमें टेलीग्राम ग्रुप से उतना कुछ होता नहीं है, मैंने बस आप लोग के लिए बनाया है। तो बाय, बेस्ट ऑफ लक, लिखा हुआ बेस्ट ऑफ लक।